नदी के गहरे पानी में तेज बहाव के बीच इंजीनियर्स पुल के पिलर को कैसे बनाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब अभी कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। तो इंजीनियर्स ने नदी के बीच पिलर बनाने के लिए कई सारे तरीके निकाले हैं, उनमें से एक है कॉफर डैम, उसका वीडियो मैंने पार्ट वन में बना दिया है। तो बात करते हैं नंबर दो की, बेटर्ड पाइल। इस मेथड में बड़े बड़े विशाल लोहे के पाइप का प्रयोग किया जाता है और इन पाइप की लंबाई पानी के गहराई के हिसाब से कई मीटर लंबी की जाती है। फिर जहाज में लगे क्रेन की मदद से इन बड़े से पाइप को पिलर की लोकेशन पर ले जाया जाता है। फिर पानी में डालकर एक विशाल मशीन से ठोक ठोक कर इनको में दसा दिया जाता है। फिर कंक्रीट और सरिये से इस पाइप को अच्छे से भर दिया जाता है और फिर पिलर सूखने के बाद सुनामी आए या फिर कोई भूकंप, इसको कुछ नहीं होता है। और कुछ इस तरीके से पुल के हिसाब से कई सारे पिलर को बना लिया जाता है और इतना होने के बाद पुल के ऊपरी हिस्से को भी बना लिया जाता है। वैसे आपका सबसे फेवरेट प्लेस कौन सा है कॉमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ।